हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल फिटनेस मंत्रा प्रयागराज। आज हम बात करने वाले हैं डेडलिफ्ट के बारे में। डेडलिफ्ट के बारे में ये चीज़ जानना है कि हम मिस्टेक क्या करते हैं। आपका जो पोस्चर होना चाहिए, शोल्डर के पैलर होना चाहिए, जो आप लेग रखते हैं नीचे, वो आपका ना ही ज़्यादा वाइड होगा, ना ही बाहर रखेंगे और ना ही मिड में रखेंगे, ना ही अंदर रखेंगे। तो आपका शोल्डर के पैलर को, लेग को रखना है, और जो ग्रिप है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप पैर के सामने ना लेने, तो आपको लिफ्ट करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो आपको पैर के साइड पे हाथ को रखना है, वो भी कुछ इस तरीके से। और आपका जो फेस होगा, फेस ज़्यादा तानना नहीं है, सर्वाइकल पे आएगा फेस, जो आपका स्पाइन के पैलर होगा, और कुछ इस तरीके से आपका पैर और नी, ध्यान देना नी आगे नहीं जाएगा बाहर के, नी भी इस तरीके से कुछ होगा स्ट्रेट, और कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना है, ये स्लो नीचे आना, ये मूवमेंट करना है आपको, जितने भी आप रैप लगा सकते हैं। और अगर हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आप अगर ग्रिप चेंज करना चाहें तो ग्रिप चेंज कर सकते हैं, प्रोनेशन सुपीनेशन में लेके कुछ इस तरीके से, इसमें भी ये वेट लिफ्ट किया जा सकता है। और ध्यान देना इस चीज़ का, जैसे कि कह सकते हैं स्पाइन रोल कुछ लोग कर लेते हैं वेट उठाते समय, तो स्पाइन को आपको रोल नहीं करना है, स्पाइन आपकी कुछ इस तरीके से होगी स्ट्रेट। आपको हम साइड से भी देख लीजिए ताकि आप पोस्चर अच्छे से समझ जाएं। तो साइड से आपका बैक कुछ इस तरीके से होगा, और पैर को आपको शोल्डर के पैलर ही रखना है, और ग्रिप कुछ इस तरीके से लेनी है, और पैर नी को देखना है बार के आगे ना जाए, और स्लोली ये हेड का ध्यान दीजिएगा, हेड भी आपके स्पाइन के पैलर होगी, ये नहीं करना है। कुछ लोग ये करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है, आपको ये करना है स्पाइन के पैलर, ये स्लो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना है, पूरी तरह से बैठ के और उठाते समय ये कुछ इस तरीके से करते हैं, ये बहुत गंदा पोस्चर है, और इससे आप जो है बहुत जल्द इंजर्ड हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा फिटनेस रिलेटेड, क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगी। थैंक यू दोस्तों।